प्रिय भक्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आपको श्री लक्ष्मी अष्टकोत्तर स्तोत्र का पाठ बताने जा रहे हैं। इसके पाठ से घर में प्रसन्नता का वातावरण आता है, आर्थिक तंगी दूर होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी के पूजन से धन और वैभव की प्राप्ति होती है, आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में प्रसन्नता का वातावरण आता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भक्त उनकी पूजा करते हैं, लेकिन इसी पूजा के साथ अगर श्री लक्ष्मी अष्टकोत्तर स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें तो शीघ्र ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। स्नान कर भक्त माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाकर इसके बाद पूर्ण भक्ति भाव के साथ श्री लक्ष्मी अष्टकोत्तर स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन की सारी आर्थिक समस्याएं दूर होकर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम श्री लक्ष्मी अष्टकोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं। ओम देव्यो वाच देव देव महादेव त्रिकालज्ञ महेश्वर करुणाकर देवेश भक्तानुग्रहकारक अष्टोत्तर शतम लक्ष्म्यां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। ईश्वर उवाच देवी साधु महाभागे महाभाग्य प्रदायकं सर्वैश्वर्यकरं पुण्यं सर्वपाप प्रणाशनं सर्वदारिद्र्य शमनं श्रवणाद्भुक्ति मुक्तिदं राजवस्यकरं दिव्यं गुह्याद्गुह्यतरं परम् दुर्लभं सर्वदेवानां चतुष्षष्टिकलास्पदं पद्मादिना वरातानां निधिनां नित्यदायकं समस्तदेवसंसेव्यं अणिमाद्यष्टसिद्धिदं किमत्र बहुनोत्रेण देवी प्रत्यक्षदायकं तव प्रीत्यार्दि स्वक्षामि समाहितं नाश्रुरुं अष्टोत्तरशतस्यास्य महालक्ष्मीस्तु देवता क्लीं बीजं पद्मित्युक्तं शक्तिस्तु भुवनेश्वरी अंगन्यासः करान्यासः सः इत्यादि प्रकीर्तितः। ध्यानम् वंदे पद्मकरां प्रसन्न वदनां सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्याम भयप्रदां मणिगणे नानाविधे भूषितां भक्ताभीष्ट फल प्रदाम हरिहर ब्रह्मादिभिस्तेवितां पार्श्वे पंकज शंख पद्म निधिभिः युक्तां सदा शक्तिभिः सरसिज निलये सरोज हस्ते धवलतरां सुख गंध माल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूत करी प्रसीद्म्यहम्। ओम प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मिकां वाचं पद्मालयां पद्मं शुचिं स्वाहं स्वधां सुधां ध्यान्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीं अदितिं च दितिं दीप्तां वसुधां वसुधारिणीं नमामि कमलां कांतां क्षमां चीरोद्भव संभवां अनुग्रह परां बुद्धिं अनघां हरिवल्लभां अशोकामृतां दीप्तां लोकशोक विनाशिनीं नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमातरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्ममाचिं पद्मसुंदरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालाधरां देवी पद्मिनीं पद्मगंधिनीं पुण्यगंधासु प्रसन्ना प्रसादाभिमुखीं प्रभां नमामि चंद्रवदनां चंद्राचंद्रसहोदरीं चतुर्भुजाचंद्ररूपां इंदिरामिन्दुशीतलां आह्लादजननीं पुष्टिं शिवां शिवकरीं सतीं विमलां विश्वजननीं तुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतिपुष्करिणीं शांतां
शुक्लमाल्यांबरां श्रियं भास्करी बिल्वनिलयं वारारोहा यशस्विनीं वसुंधरा मुदारागां हारिणीं हेममालिनीं धनधान्यकरीं सिद्धिं त्रैण सौम्यां शुभप्रदां निपवेश्मागतानंदा वरलक्ष्मीं वसुप्रदां शुभां हिरण्यप्रकारां समुद्रतनयां जयां नमामि मंगलां देवी विष्णुवत्सलस्थितां विष्णुपत्नी प्रसन्नाक्षी नारायण समाश्रितां दारिद्रध्वंसिनीं देवी सर्वोपद्रववारिणीं नौ दुर्गां महाकालीं ब्रह्म विष्णुं शिवात्मिकां त्रिकालज्ञानसंपन्ना नमामि भुवनेश्वरीं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराज तन्या श्रीरंगधामेश्वरीं दासीभूत समस्त देव वनितां लोकैकदीपांकुरां श्रीमन्मंदकटाक्षलब्ध विभवद् ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुंबिनीं सरसिजां देवं मुकुंद प्रियां मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी श्रीविष्णुहृतकमलवासिनी विश्वमातः क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं समतां शरण्ये त्रिकालं यो जपे विद्वां षण्मासं विजितेन्द्रियः दारिद्र्यध्वंसनं कृत्वा सर्ववाप्नोत ययत्नतः देवीनां सहस्रूणे पुण्यमष्टोत्तरं शतं येन श्रिये समाप्नोति कोटि जन्म दरिद्रतः भृगुवारे शतं ध्रीमान् पठेद्वत्सरमात्रकम् अष्टैश्वर्यमवाप्नोति कुबेर इत भूतले दारिद्र्यमोचनं नाम स्तोत्रमम्बापरं शतं येन श्रियमवाप्नोति कोटिजन्म दरिद्रतः भुक्त्वा तु विपुलान् भोगान् अन्ते साध्ययमाप्नुयात् प्रातःकाले पठेन्नित्यं सर्वदुःखोपशान्तये पठन्तु चिन्तये देवी सर्वाभरणभूषिताम् इति श्री लक्ष्मी अष्टकोत्तर सतनाम स्तोत्रम् सम्पूर्णम्।